Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Hi, this is Digant Purani again. Welcome to yet another video from DD Institute regarding CSEED entrance exam. So, आज हम जो करने वाले हैं, the topic is alphabet series. ठीक है? अब my sincere request to all of you who are watching this video. ये video देखने से पहले एक बार coding decoding वाला video देख लीजिए. वहाँ के concepts इसमें useful होते हैं. ठीक है? और होंगे ही. So, अगर आपने वो video नहीं देखा है, then I would request you to stop this video right now. Go to the coding decoding वाला video, उसको देखो and then come back and then watch this video. ठीक है? This is kind of an application of that particular logic. Right? That's the best part about logic. बहुत सारी चीजें interconnected होती है. तो अगर आपको थोड़ा बहुत एक topic पता है, तो उससे आप दो तीन topic और बहुत easily कर सकते हो just by application of that knowledge. ठीक है? चलिए, अगर आपने वो video देख लिया तो कोई बात नहीं, you can absolutely continue from here. ठीक. अब एक और वीडियो हम मैंने अपलोड किया हुआ है हमने यहाँ पे, दैट इज नंबर सीरीज. सो नंबर सीरीज में अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो इट इज वेरी इजी. कुछ नंबर्स लाइन में होते हैं और हमें देखना है कि व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर पॉसिबल. ठीक है? एग्जैक्टली सिमिलर कॉन्सेप्ट इज देयर इन अल्फाबेट सीरीज. राइट? जैसे कि ए बी सी डी, अगला अल्फाबेट कौन सा होगा? वेरी इजी, अगला अल्फाबेट होगा ई. ठीक है? चलो ए ई आई ओ यू, ये एक सीरीज हो जाता है. ये है अपने वॉवेल्स वाला सीरीज. मतलब अगर यहां पे बीच में डैश डाल देता तो आपको वेरी क्लियरली समझ में आना चाहिए ये क्या है. ओ आएगा यहां पे. राइट? कुछ ऐसे और इसके जैसे दूसरे क्वेश्चंस आज हम करेंगे. राइट? विद एवरी क्वेश्चन वी विल लर्न टॉपिक्स. ठीक है? वी विल लर्न ट्रिक्स एंड वी विल नो हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. राइट? चलिए तो सीधा शुरुआत करते हैं. आज कोई नेट प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, सीधा मैच खेला जाएगा. ठीक है? पहला क्वेश्चन. राइट? पहला क्वेश्चन क्या है? ए डी आई पी वाई जे क्वेश्चन मार्क. अब मैं देख रहा हूं ए डी आई पी वाई तक तो ठीक है, इंक्रीजिंग में आ रहा है, फिर अचानक डिक्रीजिंग में आ रहा है. अब एक अल्फाबेट अचानक से डिक्रीजिंग में कैसे आ सकता? नहीं आ सकता. इनफैक्ट यहीं पर अगर मैं आगे इंक्रीजिंग में लेके जाता तो हमने कोडिंग डिकोडिंग में भी पढ़ा था, जेड के बाद फिर से साइकिल चालू होती है ए से. तो हाँ, ये लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा. राइट? अब थोड़ा रिवाइज कर देता हूं. कोडिंग डिकोडिंग में हमने एक वर्ड देखा था, दिस वॉज इजोटी. ठीक है? थोड़ा फनी सा वर्ड था. इफ यू रिमेम्बर मैंने बोला था ई क्या है, 5, 10, 15, 20, 25. तो ये टेक्निक बहुत काम में आती है क्योंकि इवेंचुअली आप अल्फाबेट्स को प्लस माइनस करना हमेशा डिफिकल्टी रहेगा. वी ऑल नो दैट मैथ्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वी आर बिल्ट टू डू दैट फॉर नंबर्स एंड नॉट फॉर अल्फाबेट्स. सो एवरी क्वेश्चन जनरली, आई विल से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, माय फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट द गिवन अल्फाबेट्स इनटू नंबर्स, गिवन अल्फाबेट्स इनटू नंबर्स. तो जैसे ए क्या हो जाएगा हमारा 1. ठीक है? अगेन इफ यू रिमेंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, डॉट 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 अप टू जेड 26. तो ए क्या हो जाता है 1, डी क्या मिलेगा हमें 4. देखो इजोटी में ई 5 है ना, तो 5 में से एक पहले आता है अपना डी, तो डी क्या मिलेगा 4. चलो आई क्या मिलेगा, वो जे के एकदम पहले है, जस्ट पहले, तो वो मिलेगा हमें 9. अच्छा पी, पी के लिए हमें ओ पता है इजोटी अगेन, तो पूरा एबीसीडी ई एफ जी एच आई जी के एलिमेंट ऑफ पी तक जानने की जरूरत नहीं है. ओ 15 है तो पी आपका क्या होगा, ओ के बाद आता है पी, पी मिलेगा हमें 16. ठीक है? वाई क्या है, वाई वाई वी नो इज 25. ठीक है? अब देखो जे मिलता है मुझे 10, नॉर्मल सिनेरियो में जे मिलेगा मुझे 10, पर मैं जानता हूं यहां पे अचानक डिप नहीं हो सकता, कुछ कनेक्ट नहीं बैठ रहा. तो 10 के साथ अगर कनेक्ट नहीं बैठता तो मैं अगली चीज क्या सोचता हूं, वेरी लॉजिकली नेक्स्ट थिंग इज, अगर जेड के बाद फिर से ए आता तो क्या मिलता, 10 प्लस जेड तक का 26, दैट गिव्स मी 36. ठीक है? तो 10 वाला अगर कोई कनेक्ट नहीं बैठ रहा, पर 36 का कनेक्ट डेफिनेटली बैठ रहा है, तो 36 का कनेक्ट बिठा के मुझे ये क्लियरली दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग मैथ्स के लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं स्क्वेयर्स. ठीक है? दीज आर स्क्वेयर्स, स्क्वेयर्स ऑफ व्हाट, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगला नंबर क्या होगा, 7. 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49. ठीक है? तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है दैट आई एम इंचिंग टुवर्ड्स द करेक्ट आंसर. ठीक है?
इट इज बेसिकली नथिंग बट पोजिशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वेयर. तो ए वन स्क्वेयर, डी टू स्क्वेयर, सी थ्री स्क्वेयर इज नाइन दैट इज आई, फोर स्क्वेयर इज 16 दैट इज पी, फाइव स्क्वेयर 25 दैट इज वाई, सिक्स स्क्वेयर 36. जैसा मैंने बोला 36 एक्चुअली इज व्हाट, जेड के बाद जाके आपने फिर से शुरुआत करी तो आपको मिलेगा माइनस 26 करके जे, राइट. सो अगेन या तो आप 10 प्लस 26 करो और लॉजिक निकालो, या 36 माइनस 26 करो और लॉजिक निकालो, बात तो एक ही है. नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, 7 स्क्वायर 49, ठीक है, 7 इंटू 7 49 होता है. 49 भी अगेन वही प्रॉब्लम होगी, 26 से ज्यादा मिलेगा, तो अगर आप 26 से सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिलता है 23, ठीक है. 49 माइनस 26 इज 23. 23 अगेन इजो टी वाला निकालता हूं तो टी यू वी, मतलब आप बोलो 20, 21, 22, 23, यू विल गेट इट एज डब्ल्यू. तो अगेन मैं बोलता हूं और पूरा ए टू जेड ऊपर टॉप पे लिखने की जरूरत नहीं है, द करेक्ट आंसर इज ए डब्ल्यू, ठीक है. चलो बढ़िया, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का टॉपिक क्या बोलता है, नंबर्स और लेटर्स इन प्रोवाइडेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज अ लॉजिक, आइडेंटिफाई द लॉजिक एंड फाइंड द मिसिंग नंबर. मतलब वही है, हमें मिसिंग नंबर जाना है. पर यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है दो दो अल्फाबेट्स दिए हमें, ठीक है. तो दो दो अल्फाबेट देते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें उनके ऊपर नंबर ही लिखना चाहिए, दैट्स वेरी इजी. तो जी क्या हो जाएगा, इजोटी अगेन. तो मैं आपके लिए फिर से रेफरेंस में लिख के रखता हूं, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है. अब अगर आपको पता है ई इज 5, तो एफ जी 6, 7, वाई वेरी क्लियरली इज 25. अगेन एच कैसे निकालोगे आप, ई एफ जी एच, तो 5, 6, 7, 8, तो एच आपको मिलेगा 8, ठीक है. फिर आपको एक्स क्या मिलता है, अगेन पीछे से जाते हो तो एक्स आपको मिलेगा 24, जे इज 10, अगेन वी क्या है, वी जे तो अपने को सीधा यहां से मिला ना, अब वी कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा टी यू वी 20, 21, 22, एम के लिए आप वापस जे का रेफरेंस लो, के एल एम 11, 12, 13, तो एम क्या मिलेगा हमें 13. एस क्या मिलेगा, टी के एग्जैक्टली पहले आता है एस टी पी क्यू आर एस टी, टी हम जानते हैं 20 है, तो ये होगा 19, ठीक है. और आखिरी में क्या स्टेप है, क्यू, तो अगेन ओ के बाद क्या आता है पी क्यू, 16, 17, 17, और ओ क्या है 15, सब जानते हैं ओ इज 15. अब हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे ये देखना है कि कोई पैटर्न फॉलो हो रही है क्या. तो मैं क्या करता हूँ, जनरली पहले पहले नंबर्स को कंपेयर करता हूँ. तो पहले पहले नंबर को सर्कल करते हैं एक बार, 7, 8, 10, 13 और 17, तो एक बार साइड पे लिख देंगे 7, 8, 10, 13, 17, और दूसरा नंबर क्या है 25, 24, 22, 19 और 15. ये देखिए, मैं चाहूं तो आपको आंसर दे सकता हूं, गुड मॉर्निंग, आपको सिखा रहा हूं कि हाउ टू कम टू अ पर्टिकुलर लॉजिक. हर एक क्वेश्चन में लॉजिक बदलेगा, तो कितने ही लॉजिक आप रट के जाओगे, आप लॉजिक रट तो सकते नहीं, लॉजिक तो दिमागी चीज है, वो बिल्ड होती है, ठीक है. तो वो रट के कभी भी नहीं बनता, इसको बिल्ड ही करना पड़ता है. और मैं आपको यही सिखा रहा हूं कि इसको बिल्ड कैसे किया जाए. अब क्योंकि मैं नंबर्स में हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से कर सकता हूं, तो मुझे क्या दिख रहा है, यहां पे मुझे दिख रहा है प्लस वन, यहां पे मुझे दिख रहा है माइनस वन, फिर दिख रहा है प्लस टू माइनस टू, प्लस थ्री माइनस थ्री, प्लस फोर माइनस फोर, ठीक है. तो अब लॉजिक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, वेरी क्लियरली बैठ रहा है. अब आप क्या करोगे, अगला लॉजिक आपको मिलेगा प्लस फाइव एंड माइनस फाइव, ठीक है. तो बस आखिरी टर्म के बाद आपको प्लस फाइव और माइनस फाइव करना है, ठीक है. चलिए एक बार इसको फिर देख लेते हैं. तो व्हाट इज द लॉजिक दैट वी हैव, जी प्लस वन, एच प्लस टू, जे प्लस थ्री, एम प्लस फोर, क्यू प्लस फाइव, राइट. तो अपना आखिरी नंबर क्या था, क्यू, क्यू हमें मिला था कितना, ओ पी क्यू 15, 16, 17, 17 प्लस 5 होता है 22, ठीक है, दैट इज नथिंग बट वी. और जो दूसरा टर्म है
वो एग्जैक्टली -5 होगा आपके आखिरी नंबर के साथ। तो आखिरी नंबर आपका था ओ, या आखिरी अल्फाबेट आपका था ओ, ओ इज 15, 15 में से 5 जाएगा, आपको मिलेगा 10, 10 इज नथिंग बट जे, इट मीन्स माई आंसर आर वी जे, यानी आंसर ऑप्शन सी, आंसर ऑप्शन सी बनता है आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, आपने पहले क्वेश्चन में देखा एक अल्फाबेट, दूसरे में देखे दो अल्फाबेट, ऑब्वियस सी बात है हमें और डीप जाना चाहिए, तो क्या तीन अल्फाबेट लाए? चलो थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। तीन अल्फाबेट ही क्यों, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की हम बात कर सकते हैं एग्जाम में, तो इट कैन बी अ मिक्स ऑफ टू ऑल्सो, राइट? सो दैट्स वेयर एप्टीट्यूड एग्जाम्स टेस्ट योर ओवरऑल लॉजिक, और अगर आप बहुत सिंपल चीज कर लोगे तो दिक्कत नहीं होगी, आप किसी भी तरीके का लॉजिक इजिली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, सारे इजी क्वेश्चन ही है। अब सेम चीज यहाँ पे देखी जाएगी, क्या दिख रहा है हमें, 1, 2, C, 2, 3, E, 3, 4, G, 4, 5, I, 5, 6, K। अगर आप नंबर्स पहचानने में थोड़े भी एवरेज हो, ठीक है, अच्छे हो, तो आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको तो सिर्फ एक पैटर्न ढूंढना था। ठीक है, हर बार हम सिर्फ पैटर्न ढूंढते हैं, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इन द गिवन सीरीज फर्स्ट एंड द सेकंड प्लेस डिजिट्स आर इंक्रीज्ड बाय 1, मतलब 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, बढ़िया। मेरे अगले आंसर में 6, 7 आना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा स्मार्ट हूं, मैं पहले देखता हूं कहां कहां पे 6, 7 है, अगर एक ही ऑप्शन में 6, 7 है तो वो मेरा आंसर है, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, पर मैं ये भी देखता हूँ कि यार क्वेश्चन सेट करने वाला भी तो स्मार्ट ही था, उसने सब में 6, 7 डाल दिया, तो चलो कोई बात नहीं, अब अल्फाबेट पे जाना ही पड़ेगा। हालांकि अगर क्वेश्चन सेट करने वाला इजी क्वेश्चन देना चाहता तो शायद एक में ही 6, 7 लिखता, तो हम यहां से आगे बढ़ सकते थे। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ कि ऑप्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए, काफी बार वो हेल्प कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन की लेवल, जो कि मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपके लिए इजी होगा, तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपकी एग्जाम में यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में 6, 7 होता, आप वो मार्क करते और आगे बढ़ते। लेकिन लेकिन अगर एक ऑप्शन में 6, 7 नहीं होता तो क्या करते, ये बताना भी मेरा फर्ज है, तो मैं ये बताता हूँ। तो चलो लेटर्स के साथ देखा जाए, पहला लेटर कौन सा है, सी, फिर ई, फिर जी, आई, के, तो क्या करेंगे, हमें एक ही चीज आती है, हम इनके बगल में नंबर लिख देते हैं। तो सी क्या है अपना 3, ई जो टी 5, ई 5 है तो एफ जी 6, 7, दो ही काउंटिंग करनी, ज्यादा काउंटिंग नहीं करनी हमें। ठीक है, अगला नंबर क्या है, आई है, तो अगेन जी अगर 10 है तो आई मिलेगा 9, और के क्या है, जे के बाद आता है जे के, तो ये मिलेगा 11। चलो फटाफट देखो 3, 5, 7, 9, 11, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज अ +2। तो द थर्ड लेटर इन ईच अल्फाबेट इज रिप्लेस बाय द अल्टरनेट लेटर, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़ के दूसरा, अल्टरनेट इज व्हाट, एक छोड़ के दूसरा। तो 3 के बाद 4 छोड़ा 5, 6 छोड़ा 7, 8 छोड़ा 9, 10 छोड़ा 11, वैसे ही हमें आगे बढ़ना है, 11 छोड़ के 12 छोड़ के क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 13, 13 इज व्हाट, के एल एम, 11, 12, 13, बस मिल गया हमें आंसर 67M। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म विल बी 67M, विच इज आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन थोड़ा ट्रिक है इसमें, दो अल्फाबेट के बीच में कबाब में हड्डी घुस गया है, एक नंबर, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं आपको एक तरीका वही सिखा चुका पिछले क्वेश्चन में भी, कि ट्राई टू कंपेयर फर्स्ट विथ फर्स्ट, सेकेंड विथ सेकेंड, थर्ड विथ थर्ड, यू माइट बी एबल टू फाइंड एन आंसर। ठीक है, सो चलो उसी को देखने की ट्राई करते हैं। तो पी क्यू, अच्छा क्यू तो है नहीं, तो आर टी वी, मतलब क्या, पी प्लस टू, पी क्यू आर एस टी यू वी, अगेन एक एक छोड़ के मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, W को छोड़ के X, ठीक है, W को छोड़ के X, मतलब मेरा अगला नंबर X से शुरू होगा, तो ये ऑप्शन मेरा आउट हो जाता है। पर फिर भी क्वेश्चन सेट करने वाला यहाँ पे भी थोड़ा स्मार्ट है, उसने फिर भी तीन ऑप्शन में रखा,
एक्स। अच्छा, उसके बाद मैं ऑप्शन पे ही मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा 2 में 17 है, 1 में 16 है, तो सर 17 आंसर होगा ना, क्योंकि वो 2 बार आता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये भी तो पढ़ा है, ठीक है, ये भी हीरो बन सकता है। ठीक है, तो लेट अस नॉट अज्यूम के सर क्योंकि 17 2 बार आया तो इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा, या लेट अस नॉट अज्यूम सर 2 बार 17 आया तो वो गलत होगा, ये मेरा हीरो है। नहीं, हीरो को पहचानना पड़ता है। ठीक है, ये अपनी बॉलीवुड नहीं है जहां हीरो एकदम दरवाजा तोड़ के एंट्री मारता है और हीरोइन को लेके जाता है, यहाँ पे हमें आंसर ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, ढंग से आंसर ढूंढने पड़ते हैं, राइट, ये लाइफ है, यहाँ पे कोई भी हीरो बन सकता है। चलिए, तो हम इसी टॉपिक को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो हमें अल्फाबेट तो मिल गया है, अब नंबर्स में पैटर्न निकालते हैं। नंबर क्या बोल रहा है, 3, 5, 8, 12। जब जब मैं 3 और 5 को देख रहा था ना, तो मुझे दिख रहा था ये ऑड नंबर्स होंगे या प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, बट उसके बाद मुझे मिला 8। द मोमेंट आई गेट 8 आई रियलाइज दैट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, द मोमेंट आई गेट 8 आई रियलाइज दैट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। अब थोड़ी यहां एक नया तरकीब आपको बताता हूं मैं, उसको ध्यान दीजिएगा, ये भी लॉजिक होता है। 8 बनता कैसे है, आपके पास जो चीजें होती है आप उसमें से ही कुछ चीज बनाते हो। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास आटा होगा तो ही आप रोटी बनाओगे, अगर आपके पास नींबू होगा तो आपकी चॉइस है, आप चाहे शिकंजी बनाओ चाहे मोहितो बनाओ, पर नींबू तो चाहिए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 8 बनाना है तो मैं बाहर कुछ और लेने नहीं जाता हूँ, वैसे भी कोरोना है, मैं देखता हूँ क्या क्या अवेलेबल है। 3 और 5 अवेलेबल है, हाँ सर बढ़िया, 3 और 5 से ही तो मिलेगा मुझे 8। ठीक है, तो मैं ये लॉजिक सोच रहा हूँ, 3 प्लस 5, तो अगले में क्या सोचना चाहिए, 5 प्लस 8। पर सर ये दिक्कत हो गई, 5 प्लस 8 किया तो मुझे 13 मिलना चाहिए था, मतलब ये लॉजिक भी नहीं बैठ रहा है। पर मुझे आपको एक लॉजिक सिखाना था तो मैंने वो सिखाया। चलो कुछ और देखते हैं, सिंपल चीज देखते हैं फिर, कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं सोचना चाहिए। ये क्या मिला हमें, +2। ठीक है, ये क्या मिल रहा है, +3। ये क्या मिल रहा है, +4। अब पैटर्न पकड़ में आती है। अगले नंबर में क्या मिलना चाहिए मुझे, +5, मतलब 17। चलो सर, अब मैं श्योर हूं कि 17 मेरा आंसर है, तो ये दोनों आंसर नहीं है। अब मुझे आंसर ये दोनों में से एक में से मिलेगा। ठीक है, अब मुझे आंसर ये दोनों में से किसी एक में से मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं तीसरी चीज फाइंड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यानी आई विल मूव टू द लास्ट पार्ट इन दिस, तो दिस इज व्हाट आल्सो वी फाउंड आउट, नेक्स्ट नंबर हैज टू बी 17। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन। लास्ट अल्फाबेट्स क्या क्या रखे हैं हमने, सी, फिर एफ, फिर आई, फिर एल, मतलब 3, 6, 9, 12। देखो 9 ही आएगा ना, इजोटी, J 10, तो I 9, तो बढ़िया। ये क्या हुआ, +3, +3, +3, +3, कहानी खत्म, आंसर आएगा O। ठीक है, कहानी खत्म, आंसर आएगा O, मतलब ये भी गलत हो गया मेरा, माई करेक्ट आंसर इज X 17 O। ठीक है, अब मुझे आप ये पूछ सकते हो, सर तो पहले उल्टे से चालू करते, देखो पता थोड़ी था पहले उल्टे से चालू करते तो आंसर आता था, और दूसरी बात आप देख लो, अगर आप उल्टे से भी चालू करते तो क्वेश्चन सेट करने वाला कितना स्मार्ट है, उसने 3 जगह पे हो रखा है तो आप इसको एलिमिनेट करते, फिर आप 17 ढूंढते तो ये एलिमिनेट होता, फिर भी आखिरी के लिए आपको करना तो पड़ेगा। मतलब बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस रखे हैं कि आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, पर फिर भी हम ये जानते हैं कि कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन इजी होंगे, अधिकतर इजी होंगे, तो उस टाइम पे आप शायद 1 या 2 में से आंसर निकाल भी सकते हो, ये ध्यान में रखिएगा। द लर्निंग दैट आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू इज समटाइम्स ऑप्शन आर सच दैट वन ऑफ देम कैन हेल्प यू टू फाइंड द आंसर। मतलब अगर मैं यहाँ पे वही बोलता कि यहाँ पे ओ नहीं होता, पी होता, एम नहीं होता, सी होता, और यहाँ पे भी ओ नहीं होता और एक्स होता, या ये एम रहता तो भी चलता। ठीक है, तो मैं सिर्फ ओ से आंसर निकाल सकता था। ठीक है, पर नहीं है, द क्वेश्चन सेटर वॉन्ट्स अस टू डू मेहनत, तो भाई सही बात है, जिंदगी में मेहनत के अलावा तो ज्यादा कुछ चीजें मिलती नहीं है, और मिलती है तो उसका मजा भी नहीं है, तो थोड़ी बहुत मेहनत तो कर लेनी चाहिए हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, WSQM, और हमें चाहिए अगला अल्फाबेट। तो एक ही चीज जानता हूं मैं तो, कि भाई मेरे को मैथ्स नंबरों के साथ आती है, मेरे को अल्फाबेट के साथ मैथ्स नहीं आती है। तो W, E जो T, E जो T को याद रखो, T 20 है, तो
तो टी के बाद यू वी डब्ल्यू 21, 22, 23 ये मिलता है 23। टी के पहले आता है एस तो ये मिलेगा हमें 19, ठीक है ये मिलेगा हमें 19। क्यू क्यू के लिए क्या जो टी में हम ओ लेते हैं ओ के बाद आता है पी क्यू 16, 17 और ये क्या मिलेगा हमें एम ठीक है 13 कैसे के एल एम 11, 12, 13 बस तीन काउंट करने हैं हमेशा हमें तीन तीन या पांच से ज्यादा काउंट नहीं करते या आगे से जाते हो तो तीन पीछे जाओगे तो भी तीन मैक्सिमम तीन से ज्यादा कभी काउंट नहीं करने का आएगा अगर आपको इजोटी याद है तो चलिए इजोटी तो याद रह गए अब नंबर्स पे थोड़ा ध्यान दिया जाएगा 23, 19, 17, 13 ठीक है तो क्या लॉजिक हो सकता है आप थोड़ा सोचिए मुझे तो लॉजिक स्ट्राइक कर गया है ठीक है क्या लॉजिक है यहाँ पे सो अगर आप देखो 23 इज अ प्राइम नंबर 19 इज अ प्राइम नंबर 17 इज अ प्राइम नंबर 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर एक कम प्राइम नंबर आएगा 11 ठीक है एंड 11 इज नथिंग बट के हेंस योर आंसर इज के आप चाहो तो यहां पे ये लॉजिक सोच सकते हो -4, -2, -4, -2 ठीक है पर अगेन मैं फैन नहीं हूं इस वाले लॉजिक का क्योंकि प्राइम नंबर एक बेटर तरीका है पर अगेन ये भी हो सकता था तो क्वेश्चन सेट करने वाले ने इस बार तो ऐसा सोचा कि बच्चे चाहे ये सोचे या ये सोचे आंसर तो उनका के ही आएगा तो चलेगा कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये लॉजिक से अलग अलग आंसर आपके बन सकते हैं राइट जैसे 37 के पहले का प्राइम नंबर क्या है 31 है उसके पहले 29 है उसके पहले सीधा आएगा 23 ठीक है सो यहां पे क्या बनेगा -6, -2, -6 अगेन लेकिन फिर अगला प्राइम नंबर 19 आता है जो कि है -4 तो -6, -2, -6, -2 नहीं बन रहा है यहां पे ठीक है सो वही है अगर उनको चाहिए कि आप ये वाला लॉजिक लगाओ और 2 लिखो तो 19 वाला 21 वाला ऑप्शन में होगा ठीक है 21 वाला ऑप्शन होगा और अगर वो चाहते हैं कि आप प्राइम नंबर यूज करो तो 19 वाला ऑप्शन होगा ठीक है तो ये नहीं होगा इट मींस कहने का मतलब क्या है कि दो में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा तो कभी कभी हो सकता है कि आपने जो लॉजिक यूज किया वो खरा नहीं उतर रहा तब हमें दूसरा लॉजिक सोचना है हमें ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन सेट करने वाला गधा है उसको नहीं आता उसने कुछ और सोचा है हमें भी कुछ और सोचना पड़ेगा चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कदम बढ़ाते हैं YPID स्टिल यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑल आई नो इज दिस इजोटी पी पी क्या अपना इजोटी में ओपी तो 16 आई नो डी 4 बढ़िया अब 25, 9, 16, 4 ये देख के आपको एक चीज एकदम ही स्ट्राइक हो जानी चाहिए अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की है दिस इज 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर बढ़िया अगला नंबर क्या आना चाहिए 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर मतलब क्या आना चाहिए ए मेरा आंसर आना चाहिए यहाँ पे ए ठीक है ये मेरा आंसर है अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये आपको स्ट्राइक होना चाहिए राइट 25, 16, 9, 4 ये सब जब नंबर एक साथ आते हैं 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, 441, 484 और 521, 576, 625 ये स्पीड पे अगर मुझे 1 to 25 स्क्वायर्स याद रहते हैं आप भी रख सकते हो क्या करो कहीं पे एक चार्ट बनाओ चार्ट बना के उसको चिपकाओ ठीक है घर पे रखो जहां पे आपकी सबसे ज्यादा नजर जाती हो वहां पे रखो इट विल हेल्प यू मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसको देख के दिन भर ऐसा खड़े रहो और उसको रट्टा मारो नहीं बट व्हेनेवर यू मूव राइट जितनी बार आपकी नजर पड़ेगी आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको रजिस्टर करेगा और जितना सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर करेगा ना कुछ टाइम में आपको डेफिनेटली वो हेल्प करेगा
So there is nothing wrong in doing that. It's a very age-old practice. My father used to do that when he was studying, right? The method is still the same, right? मोहब्बत का नाम आज भी मोहब्बत है, पढ़ने के तरीके भी आज भी सेम ही है और वो हेल्प करते हैं, राइट? सो यू शुड डू दैट, राइट? यू शुड डू दैट. चलिए बढ़िया, ये आपको बहुत सारी अलग अलग जगहों पे भी हेल्प करेगा इफ यू डू दैट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन, अगेन ट्विस्ट इन द क्वेश्चन. दो अल्फाबेट्स दिख रहे हैं मुझे, तो मैं क्या करना चाहता हूं? मुझे जब कभी भी दो अल्फाबेट दिखते हैं मैं एक ही चीज करता हूं, क्या? मैं उसको बाजू बाजू में नंबर लिखता हूं. ठीक है, ये क्या है मेरा 1, ये क्या है 4, ये क्या है 2, ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 8, ये क्या है 3, ये क्या है 5. ओके, अब 1 2 2 4 3 5 क्या कनेक्ट बैठ रहा है? यहां तो +1, फिर +0, +1, +0, +1, अगेन शायद +0 करूं तो सी मिलना चाहिए, पर सी किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो ये नहीं चल रहा. ठीक है, क्या चल सकता है? समझ आ रहा है? तो एक लॉजिक मैंने जानबूझ के ट्राई किया जो कि नहीं बैठ रहा, कुछ और करते हैं. +1 × 1 + 1 फिर अगेन × 1, तो बात तो वही हो जाएगी, नहीं बैठ रहा मुझे. ठीक है, 3 तो कैसे भी नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कुछ करके देखते हैं, -3 फिर +7 फिर -3. ठीक है, ओके, तो फिर +7 करूं तो 12 मिलेगा. 12 मतलब क्या? KL. हाँ, L तो ऑप्शन में एक जगह पे मुझे दिखा. ठीक है, L एक जगह पे मुझे ऑप्शन में दिखा, पर उसके साथ F है और इसका तो फिलहाल कुछ कनेक्ट मुझे दिख नहीं रहा, राइट? इसका मुझे फिलहाल कुछ भी कनेक्ट नहीं दिख रहा, तो फिर मैं क्या सोचूं, कैसे इसको सॉल्व करें? जब ही इतना सोचता हूं मेरी नजर इन नंबरों पे पड़ती है, कि क्योंकि ये नंबरों को साथ में लिखा है, मैं एक बार साथ में लिखने की कोशिश करता हूं. ये क्या है? 14 21 28 35. अगर आप देखो +7 + 7 + 7, अरे ये एक्चुअली 7 का टेबल है. ठीक है, अगला 7 का टेबल क्या होगा? 42. मैं चेक करता हूं क्या 42 मेरे ऑप्शन में है. 42 मेरे ऑप्शन में है. 42, दिस हैज टू बी माय आंसर. सो इट मींस दैट टेबल्स आर इंपॉर्टेंट, टेबल्स आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, राइट? सो माय आंसर इज ऑप्शन डी, 42. कहां तक के आपको टेबल्स आने चाहिए? देखो 20 तक टेबल्स आपको आ जाने चाहिए, 20 तक टेबल्स किसी भी एक अच्छे स्टूडेंट को पता होने चाहिए हु इज स्पेशली प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स. 20 तक टेबल्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट दे विल बी हेल्पिंग अ लॉट व्हेन एवर यू गो फॉर सॉल्विंग योर एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस. ठीक है, और अधिकतर क्वेश्चंस आपके बहुत इजी होते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आने वाले. तो अगर आप 20 तक नहीं कर सकते, 15 तक तो कर ही सकते हो, करने चाहिए. ठीक है, लाइफ में भी बहुत हेल्प करता है. एज अ मैनेजर जब आप जाते हो, एज अ कंपनी सेक्रेटरी जब आप ज्वाइन करोगे, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव, राइट, गोना बी रियली वेरी हेल्पफुल. अगर आप खुद का बिजनेस भी करने वाले हो तो भाई नंबर्स, पैसा बहुत जरूरी है. ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैथ्स डिसेंट लेवल तक का हम कर सकते हैं. और बेस्ट पार्ट एंट्रेंस एग्जाम का क्या है, आपको थोड़ी ना एक्स्ट्रा कुछ करना है, जो आपने 10th तक किया है बस उसी को एक बार ठीक से रिवाइज करना है. तो कौन से टेबल्स आपने कॉलेज में पढ़े थे? टेबल्स तो आपने स्कूल में पढ़े थे ना, आप जब बच्चे थे इतने थे, जब आपको तब आ रहे थे, तो अब क्यों आप भूल गए? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की है. तो भाई बहन प्रैक्टिस करना चालू करो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स. ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते. अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है मुझे? यू ए ओ ई आई आई ई ओ. ठीक है, हाँ थोड़ा तुषार कपूर जैसा साउंड कर रहा हूं मैं. यू ए ओ ई आई आई ई ओ. ठीक है, ऐसे मेरे नाम पे मीम ना बन जाए तो अच्छा है. पिछले लास्ट के थोड़े पार्ट को कट करके मत करना भाई. हाँ, डोंट डू दैट. या सो व्हाट इज यू? लेट्स ट्राई टू डू दैट. अब तक तो हमने एक ही चीज सीखी है ना, व्हाट इज यू? इज योर टी टी यू 20 21 ओ 15 9
क्या है, कुछ कनेक्ट है इसके बीच में? इन दोनों के बीच में 20 का गैप, इन दोनों के बीच में 10 का गैप, इन दोनों के बीच में 0 गैप, और इन दोनों के बीच में 10 का गैप। तो अब आप क्या सोचोगे, 20 का गैप वापस दे दोगे? ऐसा कुछ ट्राई करते हो तो 20 का गैप कैसे बनेगा? बहुत सारे तरीके से बन सकता है ना। इनके बीच में कुछ कनेक्ट है क्या? प्लस फोर, प्लस फोर, अरे बाप रे, फिर अचानक से प्लस सिक्स हो गया। ठीक है, तो मैं फिर प्लस सिक्स करूं, ऐसा कुछ करूं तो भी दिक्कत होगी, राइट? पर मेरी नजर पड़ी इन अल्फाबेट्स पे, जब कुछ नंबर का खास नहीं बन पाया तो मेरी नजर पड़ी अल्फाबेट पे, ए आई ओ यू, ए आई ओ यू। ठीक है, बेसिकली ये हैं आपके सारे वॉवेल्स। ठीक है, वेरी क्लियरली माय लास्ट आंसर इज ए यू। अगर आप वो प्लस माइनस भी करते हैं तो भी आपको इवेंचुअली यही आंसर आना था, क्योंकि सेम नंबर्स आपके रिपीट हो रहे हैं, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर हैविंग इन द फर्स्ट नंबर्स, यू आर हैविंग ऑल द वॉवेल्स इन द रिवर्स ऑर्डर, एंड इन द सेकेंड नंबर ऑल द वॉवेल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट? तो लास्ट टर्म इज एयू, दैट्स व्हाट आई हैड रिटन, एयू। ठीक है, सो यू शुड एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन वेयर नंबर्स आर नॉट इन्वॉल्व बट एक्चुअल एसेंस ऑफ द अल्फाबेट इज इन्वॉल्व। अब अल्फाबेट में जनरली यही होता है, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ आप सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्या हो गया, झुंड बढ़ गया। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमारा कारवां बढ़ता गया। हमने एक अल्फाबेट के साथ शुरू किया था, आज देखो भगवान का दिया सब कुछ है, चार चार अल्फाबेट आ गए मेरे पास। ठीक है, चलिए तो चार अल्फाबेट को सॉल्व किया जाएगा, बढ़िया। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करोगे भाई? हमें एक ही चीज पता है, क्या? हम जानते हैं कि हमें उनके पोजीशंस ढूंढने हैं। ठीक है, पोजीशंस ढूंढने हैं, तो चलो ढूंढते हैं, बी सी ई जी। चलो ये मैं लिख नहीं रहा क्योंकि यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। बी क्या है मेरा? 2 3 5, जी इज वॉट, इजोटी, ई एफ जी, तो 5 6 7, बढ़िया। के क्या है? 11 13। क्यू क्या है? पी ओ पी क्यू, 17। एस क्या है? 19। डब्ल्यू क्या है? 23। ओ, डब्ल्यू के बाद क्या हो गया, गड़बड़ हो गई, क्योंकि सी मिला। अब सी क्या है अपना? 3 है। ठीक है, अगर ये 3 नहीं होता तो क्या होता? 3 नहीं होता तो क्या होता? 3 नहीं होता तो वो होता +26, दैट इज 29। ठीक है, अच्छा मैं यहीं पे अगर रोक लगाऊं तो मेरी तो बत्ती चमकी, ठीक है, मेरे दिमाग की बत्ती जली। मुझे नहीं पता आपकी जली कि नहीं, पर आप में से कुछ लोगों की तो बत्ती जल चुकी है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37। अब मैं अल्फाबेट नहीं देख रहा, अब मैं नंबर्स देख रहा हूं। 41 43 47 53। ठीक है, दैट इज एक्चुअली नथिंग बट प्राइम नंबर्स, दीज आर ऑल ऑफ योर प्राइम नंबर्स, राइट? तो सर हमें कैसे पता चलता है? मैं वही बता रहा हूं, मैं आपको वही बता रहा हूं कि कैसे पता चलता है। कन्वर्ट देम इनटू नंबर्स, नंबर्स दिखते हैं, जितने अच्छे नंबर्स आपको दिखते हैं उतने इजीली आप आंसर फाइंड कर सकते हो। ये चार नंबर आपने देखा होगा, मैंने आखिर में यही लिखा था, 41 43 47 53। अब 41 क्या है? सी, 41 का तो कोई अल्फाबेट नहीं है ना, अरे 26 माइनस कर लो मिल जाएगा। क्या करते हो, यहाँ पे हमें मिलता है 5 और यहाँ मिलता है 15। ठीक है, सो 41 आपको -26 करोगे तो आपको मिलना चाहिए। ठीक है, सो 15 इज व्हाट, 15 इज योर इजोटी में से मिलेगा ओ। अगला नंबर देखते हैं 43, 43 में से 26 माइनस कर लो, अरे यार 41 किया था ना, 41 के बाद 2 ज्यादा, तो
तो अब ये मेहनत मत करो, एक ही बार मेहनत करो, उसके बाद अपना काम इजी हो जाता है। यहां से यहां कितना है, प्लस टू है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ओ पी क्यू, मतलब अभी भी ये दो ऑप्शन अलग है, ये दो तो कट गए कब से। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाएगा तो अगेन कितना है, प्लस फोर, तो क्यू के बाद क्या आएगा, वैसे दोनों में यू ही है तो कोई टेंशन नहीं है, पर निकाल लो इजी पड़ेगा। तो क्यू के बाद क्या आएगा, क्यू अगर आप जाते हो आर एस टी यू, ठीक है, मतलब मुझे क्या मिलेगा, यू, और आखिरी में क्या मिलता है, यू प्लस सिक्स। खैर यू का एक्चुअल नंबर अगर आप देखने हो तो ईजीओटी से क्या मिलेगा, टी के बाद यू 21, तो 21 प्लस 6 इज एक्चुअली 27, इवेंचुअली यू विल गेट इट एज ए। खैर ये भी अगर छोड़ देते तो ये 52, सी दो बार अगर आप एबीसीडी रिपीट करते हो तो पहली बार जब ए टू जेड गए 26 गया, दूसरी बार ए टू जेड गए तो 26, 26 प्लस 26 बना 52, मतलब वापस 53rd नंबर आपका होगा ए, दैट मीन्स दिस इज माई आंसर ऑप्शन। ठीक है, दिस इज माई आंसर ऑप्शन डी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ अलग ही हो रहा है, डिवाइड हो रहा है अल्फाबेट्स के साथ। यार बहुत सिंपल सी बात है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ नंबर्स के लिए बना है। ठीक है, तो नंबर्स के लिए ही बनाया जाएगा। ठीक है, बाय दैट व्हाट डू आई मीन टू से, कि बस उसको रिप्लेस कर दो आप अपने अपने नंबर्स के पॉइंट्स से। मतलब अगर मैं बी बाई सी लिखता हूं तो मैं बी बाई सी नहीं लिखूंगा, आई विल राइट इट एज 2/3, है ना, और सी बाई क्या मिलेगा, 3/5, फिर मिलेगा 5/7, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मिलता है अपने को 7/11। ठीक है, ये अपना 7/11 है, ये क्या मिल रहा है, 11/13। अब बहुत क्लियरली पैटर्न दिख रही है कि पिछले वाले का डिनोमिनेटर अगले वाले का न्यूमरेटर बन रहा है। ठीक है, वो तो अल्फाबेट में भी आप देख तो सकते ही थे, मतलब ये तो मैं बहुत श्योर था कि मेरे सबसे ऊपर में आएगा एम। तो पर चारों ऑप्शन देखे, ऑप्शन बनाने वाला भी बहुत स्मार्ट है, उसको भी पता है कि ये तो हर कोई फिगर आउट कर लेगा, तो सिर्फ अल्फाबेट से ये रीजन से हे ये नहीं हो गाइस, पाएगा। कैसे हैं? पर अब मैं जानता हूं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 इज नॉट अ सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स फॉर टू रीजंस, यू हैव टू एंड यू डोंट हैव अ नाइन इन बिटवीन, बट व्हेन यू हैव टू एंड यू डोंट हैव नाइन यू नो दैट दीज आर एक्चुअली प्राइम नंबर्स। तो अगला नंबर आपका आना चाहिए 17, और वो आएगा कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, और 17 मतलब है अपना क्यू। इट मीन्स वेरी क्लियरली माई आंसर ओवर हियर इज m/q, हेलो आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन हाउ आर यू ए। ऑल, गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन वो तेरी रूट के साइन के साथ आ गया। देखो जब रूट आता है ना तो समझ लो पक्का 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 नंबर्स है। ठीक है, क्योंकि नंबर के अलावा आप किसका रूट निकालोगे, राइट। हमने एक आध दो क्वेश्चन बीच में देखे जहां पे नंबर्स नहीं थे, पर अधिकतर क्वेश्चन आपने ऑब्जर्व किया नंबर्स आते ही हैं, और जब खास करके ऐसा कोई डिवीजन हेलो और रूट फ्रेंड्स, वाली बात हाउ आती आर यू है ऑल। तो भाई साहब नंबर तो आएगा ही। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान में रखना, माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर दैट दैट मैथ्स इज बिल्ट फॉर नंबर्स। व्हाट विल यू डू, कन्वर्ट देम, लेट्स कन्वर्ट देम। तो हमें सबसे पहले क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि रूट ए एफ आई इज एम। तो भैया रूट ए एफ आई क्या होता है, तो ए क्या होता है 1, एफ क्या होता है 6, आई क्या होता है 9। देखो है ना, ई जो टी, ई जे ओ टी वाई, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो हमें यहां से पता चलता है, अच्छा रूट 69, मैंने आपको वही बोला था रूट 69 इज नथिंग बट 13, ये रूट स्क्वेयर्स, अगेन आप समझो। ठीक है, 13 स्क्वेयर इज 169, मतलब रूट 169 शुड बी, ये वन दो बार क्यों आ गया, दो बार नहीं आना चाहिए, रूट 169 इज 13। ठीक है, तो वेरी क्लियरली 13। अब 13 ई जो टी जे के 10, 11, 12, 13 जे के एल एम, हाँ तो ये तो उन्होंने हमें बताया है, मतलब क्या ये रूट का रिलेशनशिप हो सकता है। मैं एक और बार चेक करना चाहता हूँ एडीडी के साथ। एडीडी इज व्हाट, 144, रूट 144 वी नो इज 12,
एंड 12 वी नो इज के एल, 11 12 एल, हाँ ये भी बताया। तीसरा रूट 121 शुड बी वॉट, 11 11 मतलब के। माई आंसर वेरी क्लियरली शुड बी ऑप्शन बी, दैट इज के, ठीक है। सो यस, स्क्वेयर्स, रूट्स, क्यूब्स, क्यूब रूट्स इज एन इम्पॉर्टेंट और आर एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू लर्न। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाते हैं, ठीक है। 12वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। हैंट जेई जे वीजे, अब ये देखो यार, हैंट जेई वीजे देख के तो हमें पथरा, कुछ भी समझ में ही नहीं आता, तो हमें क्या करना है, हमें वही करना है, हमें एग्जैक्टली सेम चीज करनी है, ठीक है। वी नो दैट हैंट इज रिलेटेड टू जेई वीजे, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, पहले इस टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वही रिलेशन इन दोनों के बीच में होना चाहिए। हमने पिछले कुछ वीडियोस में ऐसे वाले क्वेश्चन देखे हैं, राइट, ए इज रिलेटेड टू बी, सेम वे एक्स इज रिलेटेड टू व्हाट, तो ए के बाद अगला बी आता है तो एक्स के बाद आएगा वाई, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू नो। और उल्टा भी हो सकता है, जैसे बी इज रिलेटेड टू डी, सेम वे व्हाट इज रिलेटेड टू जेड, तो डी के दो पहले तो जेड के दो पहले मिलेगा हमें एक्स, ठीक है, एक्स वाई जेड, राइट। अगर एक्स ऑप्शन में नहीं है तो कुछ और भी हम सोचा सकते हैं, डिवाइड बाय टू भी सोचा जा सकता था। एनीवे, कमिंग बैक टू द गिवन क्वेश्चन, तो भाई एच ए एन टी, एच इज व्हाट, इजोटी, एफ जी एच, 6 7 8 बढ़िया, ये 1, ये 14, ये 20। अब देखो इजोटी दिमाग में इतना फास्ट चलना चाहिए, आपने देखा कितना फास्ट मैंने एन 14 लिखा, राइट। जानता हूं मैं इजोटी में ओ अगर 15 है तो ओ के पहले आता है ना एन अपना, एच आई जे के एल एम एन ओ एन ओ, करेक्ट, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, जे ई वी जे, ये देखो मैं लिखता भी इस तरीके से हूं, जे इज वॉट 10, दिस इज 5, दिस इज 22, टी यू वी 20 21 22, दिस इज अगेन 10, ठीक है। यहां पे नंबर्स अगर बाजू बाजू में लिखे तो हमें कनेक्शन इजीली मिल जाता है, प्लस 2 प्लस 4 ये क्या है, प्लस 8 है, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, अगला क्या मिलेगा, प्लस 16 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। 20 प्लस 16 कितना होता है, 36, लेकिन 36 तो अल्फाबेट होता नहीं है, एग्जैक्टली, तो आप क्या करते हो, आप उसको माइनस करते हो 26, और क्या बचता है, 10, ठीक है, हमारा बचता है 10, 36 माइनस 26 gives us 10, it means very clearly the logic is plus 2 plus 4 plus 8 plus 16. अब क्या करोगे, सेम चीज उल्टी करोगे, उल्टे जाना है ना, क्योंकि हमें इसका लॉजिक, इसमें प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 किया तो हमें डी के डब्ल्यू एक्स मिलना चाहिए। सो नाउ यू विल हैव टू प्रोसीड विद द रिवर्स लॉजिक, थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं मैं ताकि हम कैलकुलेशन अच्छे से कर पाए। मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको उल्टा जाना पड़ेगा, जब हमने प्लस 2 किया था यहां पे हमें करना पड़ेगा माइनस 2, तो डी माइनस 2 गिव्स मी बी, ठीक है, मतलब मेरा आंसर इन दोनों में से एक हो सकता है, पर नन ऑफ दीज भी है तो नन ऑफ दीज को मैं ध्यान में रख सकता हूं, मतलब मुझे चारों के चारों फाइंड करने ही पड़ेंगे। हो सकता है कि एक गलत हो तो तीन से मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ये विलन बैठा है इधर, ये विलन बैठता है, तो दिस विलन मेक श्योर दैट यू विल सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन। चलो फिर कर लेते हैं, के माइनस 2, अब देखो डी क्या था, 4, 4 में से 2 गया बचा 2, के क्या है 11, 11 माइनस 4 किया हमें मिलेगा 7, 7 इज योर जी, ठीक है। अगला क्या है, माइनस 8 करते हो आप, ठीक है, तो W इज व्हाट, अगेन यू डू द सेम इजोटी, टी यू वी डब्ल्यू, 20 21 22 23, 23 में से 8 माइनस किया आपको मिलेगा 15, 23 में से 8 माइनस किया आपको मिलेगा 15, ठीक है, तो बी जी ओ, बी जी ओ, अब दिक्कत आएगी आखिरी में, आएगी क्या, नहीं आती, आपको x, x इज व्हाट 20,
में से 16 माइनस करते हो मिलता 8, 8 मतलब एच, इट मींस ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर. सो व्हाट डिड वी लर्न ओवर हियर, वी लर्न दैट सबसे पहले नंबर्स ही करने चाहिए कन्वर्ट सबसे पहले तो, और उसके बाद हमें आपस में इनका रिलेशनशिप देखना है और वो रिलेशनशिप यहाँ पे एस्टेब्लिश करना है, मतलब व्हाट दिस टू दिस शुड बी दिस टू दिस. बट क्योंकि ये आंसर है तो हमें उल्टा करना पड़ेगा, तो जहां जहां हमने प्लस किया वहां वहां पे हमें माइनस करना पड़ेगा. अगर हम पहले माइनस करते तो फिर हमें प्लस करना पड़ता, मल्टीप्लीकेशन का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, ठीक है. सो उल्टा लॉजिक हमें करना है, दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. उल्टा लॉजिक हमें करना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. एबीसी टू 75 केएलएम टू व्हाट. अब थोड़ा और कहानी में ट्विस्ट आई, थोड़ा और दो कदम हम आगे बढ़े और क्वेश्चन की तरीका, क्वेश्चन का मेथड, क्वेश्चन की टाइप बदल गई, ठीक है. अगर क्वेश्चन की टाइप बदली तो मेथड बदलेगी, अप्रोच भी बदलेगा. टेंशन नहीं है, हम बैठे हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो क्या किया जाता है, सी वी ऑल नो दैट एबीसी और 75 का तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, तो चलो एबीसी का रिलेशनशिप निकालते हैं. ए बी सी बोले तो 1, 2, 3, अधिकतर 1 + 2 + 3 करोगे तो क्या मिलता है अपने को, 6. अब यार 6 और 75 का क्या रिलेशनशिप माना जा सकता है, ठीक है. बहुत सारे अलग अलग चीजें सोचे जा सकती है, पर फिर ये देखना पड़ेगा कि इसके साथ भी वो मैच करे, ठीक है, इसके साथ भी वो मैच करे. 6 का एक रिलेशनशिप मैं यहां देख सकता हूं, +1 - 1, हाँ ये दिमाग में बैठ सकता है. तो चलो क्या ये लॉजिक आगे बढ़ता है क्या, के एल एम, के इज वॉट इजोटी, जे के 11, 12, 13, 11, 12, 13 का एडिशन क्या हो जाएगा अपना 36, तो इससे एक कम एक ज्यादा, भाई 36 से एक कम 37 एंड 35, मतलब क्या 3735, ऐसा तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है. तो सर 35 लिख देना ये है, पर वो तो गलत हो जाता, एटलीस्ट लॉजिकली तो वो गलत ही होता, क्योंकि एक नंबर थोड़ी पिक कर सकते हो, आपको तो दोनों करने चाहिए. तो सर वो 36 में से माइनस करके देखते हैं, हाँ ये कर सकते हो. तो 36 नहीं बनेगा, क्या बनेगा 10, 10 से एक कम मिलेगा 9 और एक मिलेगा 11, तो 119, पर 119 भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब क्या हमने जो भी सोचा वो सब कुछ गलत था. मतलब यही हुआ कि हमने जो कुछ भी सोचा वो सब कुछ गलत था, ठीक है. एबीसी को लेके छोटे नंबर बनते हैं ये हम सब जानते हैं, पर यहां तो एक बड़ा नंबर है, तो ये बड़ा कैसे हो सकता था. हाँ एक लॉजिकल चीज मेरे दिमाग में बैठती है कि अगर एबीसी उल्टा होता तो आप 26 से चालू करते तो नंबर बड़ा आता. इट मींस दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि ये वीडियो देखने से पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग करना चाहिए था. अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट यूज किया, अधिकतर ईजीओटी वगैरह सब कुछ कोडिंग डिकोडिंग से ही आया है. कोडिंग डिकोडिंग से एक और चीज आती है, रिवर्स कोडिंग. हाँ याद आया कि नहीं आया, आया आया. ए बना जेड, बी बना वाई, सी बना एक्स. हाँ सर ये तो याद है, तो ये क्या बना 26, ये क्या बना 25, ये क्या बना 24, ठीक है. इन दिनों का एडिशन बन जाता है 75. ओ सर पर आपने इतना फटाफट एडिशन कैसे कर दिया, यहाँ पे मैं थोड़ी शॉर्टकट ट्रिक ऐड करता हूँ. अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को आप ऐड करते हो ना, थोड़ा मैं हटके एक अलग बात करने जा रहा हूँ, फिर आपको बहुत हेल्प करेगा. यू गिव मी एनी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, या अपने अपने दिमाग में कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर सोच लो. मान लेते मैंने सोचा 9, 10, 11, इन तीनों को ऐड करोगे ना, बीच का जो नंबर है इंटू 3 होगा. आप करके देखो, 9 + 10 = 19, 19 और 11 = 30, ये मेरे को डायरेक्टली मिला था इफ आई मल्टीप्लाई द मिडल नंबर इंटू 3, ठीक है. कोई और नंबर लेके देखते हैं, 99, 100, 101, डेफिनेटली इन तीनों का टोटल होगा 300, ठीक है. अरे इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है, दिस कैन बी रिटन एज 100 - 1, ओके, +100 + 100 + 1. अब आपको तो सबको ऐड ही करना है ना, 1 1 कट गया, क्या बचा 100 100 100 300. सर इसका मतलब हुआ कि 1 के बदले 2 होता तो भी चलता था, एग्जैक्टली चलता था. मतलब 98 + 100 + 102 विल ऑल्सो गिव यू 300,
100 minus 2 plus 100 plus 100 plus 2. एग्जैक्टली करेक्ट. ठीक है, ये हम करेंगे. एक और चैप्टर है जब हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या से बाहर आते हैं और हम प्रॉपर सीरीज वाले क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, उसमें ये होगा. राइट, इन माय फ्यूचर वीडियोस आई विल टॉक अबाउट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है. जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ नेम्स, यू नो, जब मुझे 25 और 24 ऐड करना था, आई डिड वाज 25 इनटू 3, सीधा आई नो इज 75. राइट, अब यही बात यहाँ पे करेंगे. के एल एम 11 12 13, अरे ये तो इनके एक्चुअल नंबर्स थे, हमें उल्टे भी तो करने हैं. तो उल्टे करने के लिए फिर रिमेम्बर हमने कोडिंग डिकोडिंग में क्या पढ़ा था, 27 टोटल होता है. तो 27 माइनस 11, 27 माइनस 12, 27 माइनस 13. 27 में से 11 कम किया तो क्या मिलेगा, 16. ठीक है, क्या मिलेगा, 15. क्या मिलेगा, 14. इन तीनों का एडिशन इज गोइंग टू बी 15 into 3. इट मींस माय आंसर इज गोइंग टू बी 45. ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लंबा जाता है पर विद स्पीड इसको कम किया जा सकता है. क्वेश्चन में अगर नाम दिए हैं तो उसी से आंसर निकालो ना, लगे क्यों फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट करना. कर लिया, और अगर कोडिंग के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए कि टोटल हमेशा 27 होगा. ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी, ठीक है, एफ यू, राइट, जी टी, सेम थिंग, आई आर, बीच में खा गया मैं, एच एस, सारे सीधा उल्टा, टोटल विल बी ऑलवेज 27. उल्टी एबीसीडी मुझे याद है क्योंकि मैं थोड़ी प्रैक्टिस करते रहता हूं, पर आपको याद रखने की जरूरत जरा भी नहीं है. आप जानते हो ना मैजिकल नंबर 27, बस रिवर्स कोडिंग निकल जाएगा एक कॉन्सेप्ट से ही, तो क्यों फालतू में टेंशन लेने का. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है. तो अगला क्वेश्चन है DCBA WXYZIJKL, क्या मतलब इसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो इसके बीच में होनी चाहिए. ज्यादा लोड नहीं लेने का, क्या करने का, लिख देने का DCBA. ठीक है, तो D इज व्हाट, 4 3 2 1, ये तो क्लियरली दिख रहा है मुझे, उल्टा नीचे नीचे गिर रहा है वो. चलो बढ़िया, इसके सामने वाला लिख लेते हैं W X Y Z. हाँ ये भी तो बहुत क्लियरली दिख रहा है मुझे, क्या है ये, 23 24 25 26, बात खत्म. रिवर्स कोडिंग है ये तो, बस तो रिवर्स कोडिंग अपने को करना व्हाटएवर टाइम यू आर, अपने वाले नंबरों का. ठीक है, अपने वाले नंबरों का रिवर्स कोडिंग हमें करना है, ऑपोजिट लेटर निकालने हैं. जैसे आई जे के एल, तो आई क्या है अपना, आई इज 9 10 11 12. 27 माइनस करते जाओ और एक ही बार करो, हर बार मत करो. क्यों, अरे यार कितना सिंपल है, ये 17 देगा तो ये 18 ही देगा, ये एक इससे कम है तो गैप ज्यादा ही होगा, ये 16 ही देगा तो 15 ही देगा. पहला कोई भी एक निकाल लो आर, अब ये देखो कितना स्मार्ट है, आर एक ही ऑप्शन में दिया इसने, बात खत्म, यही आंसर होगा, मैं आगे सॉल्व भी नहीं करता, आर मिल गया मेरे को, बात खत्म. 27 माइनस 9 आई गेट इट एज 18, 18 आई नो इज आर, राइट. फिर भी अगर आपकी तसल्ली चाहते हो तो देख लो, आर क्यू पी ओ, ओ पी क्यू आर, उल्टा जाना है हमें तो, ओ पी क्यू आर, हमें तो उल्टा ही जाना होता है इसमें, और क्या करना होता है, यही करना होता है. ठीक है, चलिए अब क्या किया जाएगा, आंसर मार्क किया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चलो, इट्स अ मिक्स ऑफ फर्स्ट अल्फाबेट्स एंड देन नंबर्स. नाउ अंडरस्टैंड समथिंग, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेयर यू ऑलरेडी नो के यू हैव गॉट सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स, तो आपको क्या करना चाहिए, सिंपली एक ही बात, नंबर्स लिखने चाहिए. एक्स का नंबर क्या आएगा, W X Y Z या E जो टीवी देख लो, Y से देख लो 24, M इज व्हाट 13, K L M 11 12 13. M तो याद भी रखा जा सकता है, देखो M क्या है, M फॉर मी, ठीक है, और
एम एक्चुअली इज द एग्जैक्टली आधा, टोटल 26 होते हैं ना, तो एम तो याद रखने में दिक्कत नहीं होती, नहीं भी होता तो भी कोई टेंशन नहीं है वैसे, ठीक है। ए वी नो इज 1, ई वी नो इज 5, तो ये 5 मिले। अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इन 5 को टोटल मानने की ट्राई करता हूँ। जनरली जब 2 डिजिट होते हैं और यहाँ 4 अल्फाबेट होते हैं तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता तो मुझे 4 अल्फाबेट 4 नंबर्स तो मिलने ही चाहिए थे, ठीक है। पर कुछ तो बड़े बड़े नंबर है, मतलब मुझे हकीकत में तो कुछ ऐसा नंबर मिलता तो मैं समझता कि ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है, पर नंबर तो सिर्फ 16 मिल रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। पर फिर भी क्या गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, इतना बड़ा नंबर नहीं है, छोटे नंबर है, मतलब इसको भी फर्दर ब्रेक किया होगा। अब 24 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है, 2+4, दैट्स द फर्स्ट लॉजिकल थिंग दैट कम्स टू माय माइंड विथ अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। सो इट मे नॉट स्ट्राइक टू यू वेरी इजीली टुडे बिकॉज थोड़ा प्रैक्टिस की कमी, पर आज के बाद आपको ये समझ में आ जाता है कि भाई लॉजिकली या तो मैं 2+4 करूंगा या मैं 2×4 करूंगा तो मुझे सिंगल डिजिट नंबर मिल सकता है, ठीक है। तो दोनों ट्राई करते हैं, पहले 2+4 करते हैं, कितना मिलेगा, 6, ठीक है, थोड़ी जगह कम है तो अपन छोटे हैंडराइटिंग करते हैं, 2+4 विल गिव मी 6, 1+3 13 विल गिव मी 4, 1 तो इकलौता है तो 1 ही रहेगा, 5 भी इकलौता है तो वो 5 ही रहेगा। एक बार इसको ऐड करके देखो क्या, 6 4 10 11 11 5 16, मिल गया ना 16, यू हैव स्ट्राइक द गोल्ड, ठीक है। सो यू गेट 6+1+4+5, सी देखो बढ़िया एनिमेशन दिख रहा है मुझे, एनिमेशन भी यही बोलता है, सर 24 इज 2+4, 13 शुड बी 1+3, और 1 और 5 तो सीधा सीधा नीचे उतरो, सिंगल डिजिट है, उसमें कुछ ऐड करने का बनता नहीं है अपना, ठीक है। सो दिस गिव्स मी व्हाट, 16। अगर आपको याद है तो कोडिंग डीकोडिंग में भी हमने ये चीज करी थी बाय द नेम ऑफ डिजिटल सम, ठीक है। देखो भाई रिवाइज करना तो बनता है किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, रिविजन गिव्स यू मच मोर कॉन्फिडेंस। और यहाँ पे तब हम जॉब की बात करते हैं, हम एग्जीक्यूटिव लेवल की बात करते हैं, तो कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आने के लिए हमें चीजों को रिवाइज करना चाहिए। यू रियली नीड टू बी गुड विथ योर कॉन्सेप्ट्स, गुड विथ योर टॉपिक्स, देन इट इज इजी फॉर यू टू डू दीज क्वेश्चंस इन अ मच मच फास्टर टाइम, ठीक है। देखिए अभी तो हमने सिर्फ लॉजिक पकड़ा है, प्रूव करना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं, हो सकता अपना लॉजिक गलत हो। गलत कब होता, जब हम आंसर निकालेंगे और वो ऑप्शन में नहीं होगा तो वो गलत है पक्का, ठीक है। तो चलो देखते हैं, वी वी कैसे मिलेगा, ई जो टी टी यू वी 20, 21, 22, 20, 20, 21, 22, तो वी मिलता है मुझे 22, टी कितना मिलेगा 20, एन कितना मिलेगा ई जो टी, ओ इज 15, एन इज 14, और जी इज व्हाट, ई एफ जी 5, 6, 7, बढ़िया। मतलब क्या, आपको तो इनको ऐड करना है ना, तो ये क्या मिलेगा 4, 2, 5 और 7, 4 और 2, 6, 6+5, 11, 11 और 7, 18, 18 ऑप्शन में है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ है, तो बस 18 मेरा आंसर है। देखिए 22, 20, 14, 7, 2+2, 22 बना 2+2, 20 बना 2+0, 14 बना 1+4, मतलब मुझे क्या मिलेगा 4, 2, 5, 7, 4+2+5+7 गिव्स मी 18, हेंस डी इज करेक्ट। यहां पर शायद आपको डाउट आ सकता है, सर अगर मेरा टोटल बना 9 से ज्यादा तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, 9 से ज्यादा टोटल कब बनेगा आपका, 9 से ज्यादा आपका टोटल बनेगा सिर्फ एक केस में शायद, विच इज एस, एस इज व्हाट 19, देखो उससे छोटा क्या है टी, अरे उससे छोटा क्या है अपना आर, आर इज 18, तो भी 9 ही बनाता है वो, उसके पहले 8 बनेगा, फिर 7 बनेगा, 6 बनेगा, पता चल रहा है 28 आपको देगा बड़ा आंसर, पर 28 तो अल्फाबेट ही नहीं है,
तो आप इसको क्या कर लो, 1 + 9 विच इज 10। एक बार 10 ट्राई करके देखना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना तो एक बार 1 करके देखना, दो में से एक पक्का आंसर आएगा। अब देखो लॉजिक सेट करने वाले के दिमाग पे है ना, वो ऐसा सोचता है कि नहीं मुझे तो डिजिटल सम सिंगल डिजिट आंसर ही आना चाहिए, एक कोड रिपीट हुआ तो चलेगा। मतलब ए के लिए भी 1, एस के लिए भी 1, जे के लिए भी 1 चलेगा, उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो वो फर्दर डिजिटल सम करवाएगा। पर कोई ऐसा बोलता है कि नहीं मुझे बहुत ज्यादा रिपीटेशन नहीं करना, मैं 10 ऐड करा दूंगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी उसमें, तो 10 लेके भी आंसर आ सकता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, थोड़ा टाइम जाएगा बट आई थिंक 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। चलिए 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां सवाल, अगेन क्वेश्चन का सबसे बड़ा काम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। कोई भी क्वेश्चन सेट करने वाला, ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनी क्वेश्चन, सबसे बड़ा पर्पस किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में होता है फियर। फियर क्रिएट करना इज द पर्पस फॉर एनी क्वेश्चन। एक सवाल का काम होता है डराना, जो डर गया वो घर गया, ठीक है। यस, गब्बर सिंह बोल के कहते जो डर गया वो मर गया, अपन थोड़ा बदलते हैं, क्यों मारते हैं लोगों को जिंदा रखते हैं आजकल, वैसे ही कोरोना ये काम कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली वेरी सैड, बट लेट्स बी ह्यूमन राइट एंड लेट्स अंडरस्टैंड जो डर गया वो घर गया, ठीक है। वेरी सिंपली एग्जाम में तो यही होता है, जो क्वेश्चन से डर जाता है वो सॉल्व नहीं कर पाता, उस वजह से वो बेचारा घर चला जाता है, उसका एग्जाम कन्वर्ट नहीं होता है। हम प्रैक्टिस करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम टाइम स्पेंड करते हैं, हमें आज तक कोई ये नहीं सिखाता कि डरना नहीं है। मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूं, राइट। माय पर्पस इज टू रिमूव दिस वर्ड, ठीक है। कॉर्पोरेट, इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, प्रोबेबली आई मे नॉट हैव टोल्ड यू, बट आई कम फ्रॉम कॉर्पोरेट एज वेल, आई बीन इन कॉर्पोरेट फॉर अबाउट गुड 8 ईयर्स, और मैं मेरी कॉर्पोरेट जिंदगी में MNCs में एक चीज सीखा हूं, व्हाट इज फियर, फॉल्स एविडेंस अपियर रियल। मतलब क्या के झूठे सबूत सच्चे लगते हैं और आप डर जाते हो, तो बेसिकली डर कुछ नहीं है, डर झूठ है, डर सब इधर है, उसको भगाओ, ठीक है। तो डायरेक्ट WR ये क्या है, इतना बड़ा डर है, कोई टेंशन नहीं, हम वही करते हैं जो हमें आता है। क्या आता है, बस हमें इनको लिखने को आता है नंबर्स के फॉर्म में, तो चलो लिखा जाएगा DIRECT। अब 4 के बदले 6 होंगे तो लॉजिक थोड़ी ना बदलेगा, नहीं भाई लॉजिक नहीं बदलता। अगेन ऑलवेज रिमेंबर, मोहब्बत का नाम आज भी मोहब्बत है, तो लॉजिक नहीं बदलता। 4, 9, 18, 5, 3, 20, बढ़िया। क्या इसका कोड क्या है, WRIVXG 23 TUVW 20, 21, 22, 23 R T के पहले S, S के पहले R, तो 20, 19, 18। G के पहले I, 10 के पहले 9। V TUV 20, 21, 22। आप देख रहे हो मैं ज्यादा काउंटिंग करता ही नहीं। X, Y के पहले X, 25 के पहले 24। F, G, 6, 7। अगेन EFG 5, 6, 7। अब देखो नंबर्स को देखो, वैसा तारे जमीन पर कैसे नंबर उड़ के आते हैं ना, वैसे मेरे तो फिलहाल उड़ के आ रहे हैं, आप क्या आ रहे क्या, अरे उड़ा उड़ाओ, थोड़ी हवा मारो, उड़ेगा। अब उड़ा, ठीक है। 4 + 23 27 9 + 18 27 18 + 9 अरे सर 27 5 + 22 27 3 + 24 27 20 + 7 27 done, ठीक है। क्या whenever there is 27 it is reverse coding, we had done that in the reverse coding wala chapter, we did that in some questions before also। मतलब जो कि डरा रहा था वो हकीकत में सिर्फ कोशिश कर रहा था, उसकी कोशिश नाकामयाब हो गई,
क्योंकि हमें तो ये आता है, और पिछले 16 क्वेश्चन यहाँ के और कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में भी हमने यही चीज तो सीखी है, कन्वर्ट. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राइट, व्हाटएवर. ओके, नाउ आई हैव अंडरस्टूड दैट एंटायर लॉजिक इज ऑफ रिवर्स कोडिंग. तो व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट. अब ये ऑप्शन देखो यार, सब में एच से शुरुआत की है. अब मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बताता हूं, तो एस छोड़ दो, वो एच ही देगा. दूसरा अल्फाबेट पकड़ते हैं, वो क्या है, 15. 15 के लिए क्या आना चाहिए, 12 मतलब एल. तो दूसरे में एल किधर है, एक ऑप्शन. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बात खत्म. समझ में आ रहा है, क्यों क्यों मैं इतनी मेहनत करूं जब मुझे एक नंबर से भी तो आंसर आ सकता है. इनफैक्ट दैट इज हाउ यू कैन बी फास्टर देन रेस्ट ऑफ द इंडिया. ठीक है, अगर आपको बाकी गुजरात, बाकी इंडिया, बाकी कंट्रीज, देश, बाकी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोगों से फास्ट बनना है, तो कुछ तरीके आपको आने चाहिए, राइट. मेरे ऑप्शन पे नजर रहती है भाई. देखो, आपकी जनरेशन को मुझे ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि ऑप्शंस पे नजर रखा करो. ठीक है सर, आप क्या बताओगे, हमारी नजर तो ऑप्शंस पे होती है, पर प्रॉब्लम ये कि हमारे ऑप्शंस की नजर हम पे नहीं पड़ती कभी. चलो खैर, किसी और दिन ऐसी गम की बातें करेंगे, फिलहाल तो क्वेश्चंस की बातें करते हैं. समझ आया मैंने क्या किया, मैंने ऑप्शंस पे नजर रखी और मैंने देखा एच तो सब में ही कॉमन है, तो दूसरे में मुझे एन एल वी एन मिल रहा है. हो सकता है कि मेरा एन रिपीट हो, तो देखा जाएगा, फिर इन दोनों में से कुछ एक ढूंढा जाएगा. पर मैं एक बार ट्राई तो मारता हूं. ओ मिला मुझे 15, ई जो टी. 15 में से 27 में से 15 सबट्रैक्ट करोगे, मिलेगा कितना, 12. 7 में से 5 ये 12. 12 इज व्हाट, 11, 12, के एल, मतलब एल आना चाहिए. किसमें सेकंड में एल है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, बस वो आंसर हो गए. बाकी तो क्वेश्चन सेट करने वाले ने मेहनत की है ना, हम नहीं करेंगे, पता चल रहा है. सो दिस इज वेयर योर ऑप्शंस विल बी एंड शुड बी हेल्पफुल, एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू डू दैट. सर अगर दो में एल होते तो तीसरा अल्फाबेट निकालते, हम पिछले क्वेश्चन में ऐसा कर चुके हैं, वो याद है ना, एक्स 17 ओ. उसमें क्वेश्चन सेट करने वाला थोड़ा स्मार्ट रहा था, उसको थोड़ा चाहिए था कि हम सब कुछ सॉल्व करें, तो हमने किया. पर जब अवॉइड किया जा सकता है, वहां पे अवॉइड करना चाहिए. दिस इज ऑल रिवर्स लॉजिक, ऑल रिवर्स लॉजिक. ठीक है, तो एस का सम का आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन बी. ठीक है, अगेन आप देख भी सकते हो, 19 एस, ओ इज व्हाट 15, एम इज व्हाट 13, ई इज व्हाट 5. 27 में से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, अगेन 27 माइनस 19 विल गिव यू 8, 12, 14 एंड 22, मतलब एच एल एन वी. यस, इजोटे की मदद से ये आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो. चलिए कुछ और क्वेश्चन की ओर चलते हैं. ऑड मैन आउट, प्लीज नेवर एवर फॉरगेट टू रीड दिस. ठीक है, अब क्योंकि 15-17 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 16 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे. हर क्वेश्चन में मेरी नजर जाती है, जैसे ही मैंने यहाँ देखा मेरा ध्यान गया ये ऑड मैन आउट है. ऑड मैन आउट मतलब क्या, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है. ठीक है, रणबीर कपूर, मुझे नहीं पता स्पेलिंग सही है कि गलत है, आप समझ लो. ठीक है, रणवीर सिंह, ओके, वरुण धवन, और मैं लिखता हूं विराट कोहली. ठीक है, अब क्या क्या ऑड मैन आउट होते हैं इसमें से, मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको. वेरी क्लियरली दिस इज एन एक्टर, एक्टर वरुण धवन इज ऑल्सो एन एक्टर, विराट कोहली इज अ क्रिकेटर. ठीक है, पर सर वो एक्टिंग करता है ना, एडवर्टाइज में आता है, और उसका मेन धंधा तो सोचो यार, लॉजिक लगाओ, उसका मेन प्रोफेशन इज क्रिकेटर, राइट. तो ऑड मैन आउट इज व्हाट, हु इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. ठीक है, हु इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, बस सेम लॉजिक हमें यहाँ पे लगाना है. तो वी जेड डब्ल्यू ए एक्स डी वाई डी, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, मतलब इसमें से कोई एक हटके है उसको हमें ढूंढना पड़ेगा. कैसे ढूंढते हैं, चलो देखते हैं. हमें तो एक ही चीज आती है भाई, हम तो वही करते हैं. ठीक है, ए एक्स बी वाई
ठीक है। पेन को क्या हो गया मेरी, पेन को कुछ दिक्कत हो गई है। ठीक, वी इज वॉट ई जो टी टी यू वी, 21, 22, 26, डब्ल्यू इज वॉट 23, 27, और यू कैन से 1। अब मैं 1 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना ये इंक्रीजिंग में चल रहा है, एटलीस्ट 20s में चल रहा है, तो भाई लॉजिक तो वैसा ही होता है। अब तो हम जानते ही हैं, दिस इज वॉट 28 या तो 2, चलो लिख ही लेते हैं, 2 भी लिख लेते हैं, 25, एंड दिस इज वॉट 4 या तो 30। ठीक है, आई होप इट इज विजिबल। मैंने लास्ट में लिखा है डी, अलग से लिखता हूँ डी, दैट इज 30 और 4। अब ये क्या हुआ, प्लस 4, फिर माइनस 1, फिर प्लस 4, फिर अगेन माइनस 3, फिर प्लस 4, फिर माइनस 3, फिर प्लस 4 नहीं हुआ, तो ये लॉजिक था। ठीक है, प्लस 4 माइनस 3, प्लस 4 माइनस 3, प्लस 4 माइनस 3, फिर प्लस 4 नहीं हुआ, मतलब मेरा डी इज द ऑड मैन आउट। ठीक है, हालांकि इसको देखने का एक और तरीका भी है, राइट। सो मैं तो ये बता रहा हूं, अगर आप बेसिक से भी जाते हो तो आप पकड़ तो सकते हो, आप आंसर डी मार करके आगे बढ़ जाते, मैं आपको लेकिन एक और तरीका बताता हूं। ठीक है, देर आर जनरली मल्टीपल वेज टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चन। वी के बाद आता है डब्ल्यू, एक्स, वाई, अगला आना चाहिए था जेड। ठीक है, पर वो तो हमें पूछा नहीं है कि अगला आना चाहिए था, तो जेड गोज इम मटीरियल, जेड ए बी, अगला आना चाहिए था सी डी, गलत बात खत्म। अल्टरनेट सीरीज, ये भी हमने पढ़ा है नंबर सीरीज में, के देर कैन बी अ पॉसिबल 2 सीरीज, राइट। अगर आपने वो नंबर्स का वीडियो देखा है तो देख लो, आपको पता चल जाएगा, नहीं देखा है तो। ठीक है, यू कैन हैव 2 सीरीज वेयर दे गो पैरेलली वन आफ्टर द अदर, तो ये ऊपर एक अलग चल रही है सीरीज, नीचे एक अलग सीरीज चल रही है, जिसमें डी आपका नहीं बैठता, हेंस डी इज माय आंसर। ठीक है, हेंस डी इज माय आंसर, ऑल्टरनेट सीरीज में सी आना चाहिए था, लाइक आई सेड, सो डी इज द ऑड मैन आउट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाते हैं। ए सी ई जी आई के, अगेन ऑड मैन आउट है और 3-3 अल्फाबेट दिए हैं, हम वही करेंगे जो हमें पता है, हम नया कुछ करते ही नहीं। जब वही करने से आंसर आता है तो क्यों नया करके दिमाग खराब करें, जब आंसर नहीं आएगा तब सोचा जाएगा, जब तक आंसर आता है तब तक वो करना चाहिए। चलिए बढ़िया, तो क्या करना चाहिए, चलो करते हैं। ए सी ई क्या है, 1, 3, 5, हाँ ऑड नंबर दिख रहे हैं, मैं आगे उसको चेक करना चाहता हूँ। जी क्या है, ई एफ जी, 5, 6, 7, 9, 11, जी आई के। ठीक है, एमओ क्यू, एमओ क्यू क्या है मेरा, एम इज वॉट 13, 15, ओ इज 15, पी क्यू, क्यू इज वॉट 17, ये भी ऑड मैन आउट जा रहा है। अगर अब चौथा भी ऑड मैन आउट गया, मतलब ऑड नंबर में गया ना, तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि 3 तो ऑड 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 गए, चौथा एक बार चेक कर लेते हैं। एस क्या है मेरा, 19, यू टी यू 21, अरे यार ये 23 नहीं होना चाहिए, अरे हाँ सही है, बढ़िया, 25, मतलब यहाँ फटा, यहाँ आके अपना लॉजिक फट गया। ठीक है, कोडिंग फट गई अपनी, मतलब क्या, एस यू वी एस यू डब वाई इज रॉन्ग, इट शुड बी 23, 20 इज व्हाट, टी यू वी डब्ल्यू 20, 21, 22, 23, एस यू डब्ल्यू होना चाहिए था, बल एस यू वाई आया है, दैट्स व्हाई एस यू वाई इज योर ऑड मैन आउट। ठीक है, चलो फैंटास्टिक, यहां तक काफी कुछ हम सीख चुके हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ऑड मैन आउट निकालते हैं। ठीक है, अब आपको सीधे 4 ऑप्शन ही दे दिए हैं, 4 में से एक ऑड मैन आउट है, बहुत सिंपल, ज्यादा मगजमारी नहीं चाहिए, एच क्यू टी जेड, ये आपके 4 ऑप्शन है। ठीक है, सो क्वेश्चन इतना ही है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, ऐसा फाइंड द ऑड मैन आउट। ठीक है, ऑड मैन आउट, ओके, और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, तो 4 में से एक आपका पक्का ऑड मैन आउट है। तो क्या करते हैं, वही एच इज वॉट, ई एफ जी एच, 5, 6, 7, 8,
ई जो टी ओ पी क्यू 15, 16, 17 टी ई जो टी 20 और ये क्या है 26 ठीक है। मुझे एक तो बहुत क्लियरली दिख रहा है ये इवन नंबर है, ऑड इवन और इवन ठीक है, ये इवन में दो बार ही नहीं आता, हाँ इवन ऑड इवन इवन मतलब मुझे बहुत क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि क्यू मेरा ऑड मैन आउट हो सकता है। पर मैं भी थोड़ा सोचता हूं कि क्या यही इतना सिंपल लॉजिक हो सकता है क्या, ठीक है तो मैं चेक करता हूँ यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, +9, +3, +6 ना कुछ बैठ नहीं रहा, मतलब हमने जो सोचा था ना वो सही था, क्या ज्यादा सोचने का नहीं। गुजराती में एक फ्रेज छे इफ यू रिमेम्बर राइट, वधु डायो वधु खड़ाए, तो वधु डाया नहीं बनवानो, यानी डॉट डाया कहवाए। आंसर आ रहा है ना, मिल रहा है अपने को आंसर, क्या प्रॉब्लम है ठीक है, तो डॉट डाया नहीं बनने का ठीक है, आंसर मिला, लॉजिक बैठा, करेक्ट आंसर इज ऑड नंबर, बात खत्म ठीक है। तो अगेन बॉम्बे की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जास्ती शान पट्टी नहीं करने का ठीक है, तो शान पट्टी नहीं करने का, समझ आ रहा है, लॉजिक बैठ रहा है, सही बन रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, तो भाई खुद पे कॉन्फिडेंस रखो यार, तुम सही हो सकते हो, क्यों प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन में ऑड मैन आउट चेक करते हैं, एल एन जे आर टी पी, तो भाई एल एन जे क्या बनेगा मेरा, एल एन जे बनता है मेरा 12, एल जे के एल एन के बाद एन क्या मिलेगा 14 और जे क्या मिलेगा मुझे, जे मिलता है 10, ओ ये गड़बड़ है, अच्छा मतलब मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, मिल रहा है मुझे +2 और फिर मुझे यहां से यहां मिल रहा है -2, यहाँ पे आप बोल सकते हो -4 ठीक, तो ये एक लॉजिक दिमाग में बैठ तो रहा है, पर अब मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ दूसरे में क्या हो रहा है, तो आर टी पी लेते हैं, आर इज वॉट अगेन 18, टी इज वॉट 20 एंड पी वी नो इज टी ओ पी इज 16 +2 -2 हाँ बैठा 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 लॉजिक बैठा बॉस बैठ रहा है। एन पी के देखते हैं, ओ एन एन में क्या हो रहा है, एच आई जी के एल एम एन, एन इज योर 14 ठीक है, पी कितना हो रहा है यहाँ पे, पी हो रहा है 16 और के कितना हो रहा है यहाँ पे 11 ठीक है। अब यहां से यहां तो +2 हुआ ठीक है, ये टाइपो है, ये +2 ही होना चाहिए था ठीक है, पर यहां से यहां जब मैं देखने गया ना तो -3 हुआ ठीक है, तो ये मेरे को खटक रहा है, ये मुझे खटक रहा है क्योंकि -3 के वजह से खटक रहा है ठीक है। अगेन देयर इज अ स्मॉल टाइपो, आई एम करेक्टिंग दिस, दिस इज +2 ओनली ठीक है, आगे बढ़ा जाएगा ओके। एफ एफ इज व्हाट, एफ इज गिविंग मी अ +25 जैसा रेशियो ले सकते हैं, लेकिन यहां पे क्लीन 35 इज व्हाट 4, तो यहां से यहां +2 और यहां से यहां -2 मिला, मतलब जो खटक रहा था वो सही था ठीक है। सर एक बार जो खटक रहा था वो मिल गया तो हमने क्यों एफ एच डिफाइन किया, देखो एक ना बढ़िया वर्ड है लिखता नहीं मैं बोली देता हूं, जिसको बोलते हैं तसल्ली ठीक है, तसल्ली एक बढ़िया वर्ड है, क्योंकि अगर ये हमारा +2 और -2 वाला लॉजिक था, +2 एंड -2, +2 एंड -2 अगर यहाँ पे फेल हो जाता तो दो लॉजिक फेल नहीं हो सकते थे, फिर हमें कुछ और सोचना पड़ता ठीक है, हमें कुछ और सोचना पड़ता, पर यहाँ पे मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये बहुत अच्छे से +2 -2 लॉजिक तीन ऑप्शन में चला, एक में ही नहीं चला, हेंस दैट इज माय फाइनल आंसर। चलिए 21वीं क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाते हैं, 21वीं सदी में 21वां क्वेश्चन करते हैं ठीक है। चलो क्या बोलता है OE3, मतलब यहाँ पे अगेन फिर सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में भी इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था, अल्फाबेट एक नंबर और एक है कंप्यूटर, अल्फाबेटिकली चीजों को समझते हैं, ओ 15 ई 5 और नंबर मिला 3, एक्स 24 डी 4 नंबर मिला 6, जे 10 बी 2 नंबर मिला 5। चलो यार जगह कम पड़ती है फिर लिखता हूं, पर कुछ लोगों को तो ना बत्ती चमक चुकी है भाई, मेरी तो चमक गई, कुछ लोगों की भी मेरे साथ चमक गई, बहुत बढ़िया।
ओ इज 15, ई 5, नंबर मिला 3, एक्स 24, डी 4, नंबर मिला 6, मिला मतलब दिया हुआ है उन्होंने, जे 10, बी 2, नंबर दिया 5, पी 16, इजोटी ओ पी, एच 8, नंबर दिया 2। अब आप यहां पे ऑब्जर्व करो, 15 को जब आप 5 से क्या करते हो तो 3 मिलता है, आंसर इज डिवाइड, आंसर इज डिवाइड, तो डिवाइड बाय किया तो मुझे मिला 3। बस अब मैं यही चेक करता हूं कि क्या वो डिवीजन का रूल कंटिन्यू हो रहा है क्या, तो 24 में से हमने जब 4 किया डिवाइड तो हमें मिला 6, 10 को हमने जब 2 से डिवाइड किया तो हमें मिला आंसर 5, 16 को जब 8 से डिवाइड करते हो तो आंसर आना चाहिए था 2, पर उन्होंने दिया 3, मतलब वेरी क्लियरली मेरा आंसर ऑप्शन 4 होगा, ठीक है, डिविजन इज ऑल